सुरुचि ने प्रवचन सुन सुन के प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब वो कोई भी पाप नहीं करेगी, सबसे अच्छे से बात करेगी, किसी के साथ बुरा नहीं करेगी। बहू, ये मच्छर तेरे गाल पे कब से बैठा है? अरे काट लिया तो गाल गुलाब की तरह लाल कर देगा। बैठे रहने दो माँ जी, उसे आराम करना होगा। उसने मेरे गाल को अपना घर समझ लिया है तो मैं उसे बेघर क्यों करूं? अरे ज्ञान की बारिश बाद में करना, अपने गाल का मच्छर हटा ले। मलेरिया हो गया तो तुझे आराम करना पड़ेगा। माँ जी, डेंगू मलेरिया तो सांसारिक बीमारियां हैं, हमें इनसे ऊपर ही तो उठना है ना। अरे बेटा, इनसे आदमी ऊपर ही उठ जाता है। क्या हुआ? काट लिया। अरे मैंने तो कहा ही था, मार देना था उसको। नहीं नहीं माँ जी, उसे भोजन करना था, मैंने उसे पोषण दिया है, मुझसे पुण्य का काम हुआ है। अरे उड़ रहा है टुनटुना के, ताली बजा के मार दे वरना फिर काट खाएगा। नहीं नहीं माँ जी, जीव हत्या करना पाप है। मैंने एक बार व्हाट्सएप पे एक उपदेश पढ़ा था, मच्छर आपको काटे ये उसका जुनून है, उसके बाद आप खुजाओ ये आपका सुकून है, लेकिन कभी मच्छर को मारना मत क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून है। अरे तू और तेरा व्हाट्सएप का ज्ञान, भगवान बचाए। सुरुचि की ये पुण्य करने की आदत से कई बार सुरुचि का नुकसान होता, लेकिन फिर भी वो पाप से दूर रहती। सुरुचि, मेरे सर में जुए हो गई है, निकाल दोगी? कोई आपको अपने घर से निकाले आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे लेकिन परेशान कर दिए हैं जुए, दिन भर सर खुजाता रहता हूँ। देखो इसी बहाने तुम्हारे सर की चंपी हो जाती है, तुम्हें तो जुओं को थैंक यू कहना चाहिए। तभी बाहर से ससुर जी की आवाज आती है। बहू बहू। अभी आई बाबूजी। बेटा सुनो, ये देखो चाय में ना मक्खी तैर रही है, दूसरी चाय ले आओ। जाओ ला दूंगी, पर मक्खी मत हटाइएगा। अरे क्यों बेटा? मक्खी चाय का सेवन कर रही है, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, आप बीच में अडंगा डाल देंगी तो। आपको अच्छा लगेगा क्या अगर कोई आपकी चाय छीन ले? अरे पर निकालूंगा नहीं तो मक्खी मर जाएगी बेटा। नहीं नहीं बाबूजी, आप उसे पीने दीजिए, पीकर उड़ जाएगी। लेकिन बाबूजी मक्खी के साथ ही चाय पी जाते हैं। ये क्या किया बाबूजी? अरे मक्खी सिर्फ चाय ही क्यों पिए, आज सुबह मैंने मिठाई भी खाई है, पेट में ही है, वो पेट में चाय भी पीती रहेगी और मिठाई भी खाती रहेगी। सुरुचि को समझ में नहीं आता कि वो बाबूजी के इस कारनामे पर क्या जवाब दे। वो सास के पास जाती है, सास के हाथ में एक खटमल मारने की दवाई है। माँ जी आपके हाथ में ये क्या है? अरे बेटा तू तो बीए पढ़ी है, इतना तो पढ़ने में आया ही होगा कि ये खटमल की दवाई है। माँ जी आप क्यों मार रही है खटमल? मत मारिए माँ जी, आप अपनी नींद के लिए खटमलों को हमेशा के लिए सुला देना चाहती है। अरे अब चुप भी हो जाओ देवी, पुरानी दवाई है, एक्सपायर हो गई है, फेंकने जा रही हूँ, नहीं मार रही हूँ खटमल। और वैसे भी खटमल से ज्यादा तो तूने हमारी नींद हराम कर रखी है। माँ जी पुण्य करना चाहिए, आपको तो ज्यादा करना चाहिए, आपकी तो उम्र भी हो रही है। अरे उम्र से याद आया, बैंक में जाकर जन्म तारीख सही करवानी है, तैयार हो जा, कल स्कूटी चला के ले जाना मुझे। अगले दिन सास घर से निकलने से पहले दही शक्कर खा रही है और जल्दी जल्दी में हाथ नहीं धोती। बहू स्कूटी निकालती है और सास ताला लगाती है। ताला लगाते वक्त शक्कर के दाने ताले पे रह जाते हैं और दोनों सास बहू हड़बड़ी में घर से बाहर निकल जाती हैं। अच्छा हुआ कि तेरी स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट है, वरना तू तो बोलती कि मैं किक नहीं मारूंगी, किक मार दी तो पाप लगेगा। माँ जी इस तरह मजाक करना भी पाप होता है। दोनों सास बहू बैंक पहुंचती हैं। अभी लंच टाइम है, बाद में आना। अरे भाई साहब सुन तो लो, करवाना क्या है? अरे जन्म तारीख बदलवानी है, कैसे बदलेगी? अब किसी और तारीख को पैदा हो जाओ। यही चुटकुला आप अपने मैनेजर को भी सुना पाओगे ना, वो भी हंस ले थोड़ा, अभी बुलाती हूँ। अरे अरे रुकिए रुकिए, ये फॉर्म भरिए और आधार कार्ड दीजिए। अरे राम रे, आधार कार्ड तो भूल ही गई, उसके बिना तो नहीं होगा।
अरे बहू जा घर से जल्दी से मेरा बटुआ उठा ला, उसमें मेरे सारे कार्ड रखे हैं, जा जा जल्दी लेकर आ, वरना बैंक बंद हो जाएगा और कल मुझे अपनी बहन के यहाँ भी तो जाना है ना। जी माँ जी, अभी गई और अभी आई। अरे रुक, चाबी तो लेकर जा घर की। बहू जल्दी से घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचते ही देखती है कि ताले पे बहुत सारी चींटियां हैं, जो माँ के ताला लगाते वक्त हाथ से ताले पे शक्कर छूट जाने के कारण आ गई थी। चींटियां, हट जाओ, मुझे आधार कार्ड निकालना है। बहू चींटियों को हटाती नहीं है, उनसे मिन्नतें करने लगती है। सुनो, हट जाओगी तो और भी शक्कर के दाने खिलाऊंगी, अभी सास का काम बहुत जरूरी है, मेरी बात सुन लो, मान लो, मैंने तुमको हटाया तो पाप हो जाएगा। चीटिया कैसे सुरुचि की बातें सुनती जब घर में ही उसकी कोई नहीं सुनता था। शाम हो जाती है पर चीटिया हटती नहीं है, तभी सास वहाँ ऑटो से आ जाती है। अरे कहाँ रह गई तू, बैंक भी बंद हो गया। माँ जी, ताले पे चींटी। सास पूरा माजरा समझ जाती है और बहू से कहती है, एक बात बता, सोच के देख, अगर मुझे खून की बोतल चढ़ानी पड़ी और उस पर चींटी बैठी हो तो बोतल से चींटियों को हटा के मुझे बचाएगी या चींटियों को वहीं बैठा रहने देगी? माँ जी, ऐसा होगा ही नहीं। अरे चींटियों को तो मीठा पसंद होता है, खून की बोतल पे तो मच्छर आएगा क्योंकि खून तो मच्छर पीता है। सास सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है, तभी ससुर जी और सुरुचि का पति भी वहां जाता है। अरे रो क्यों रही हो, रहने तो जी, तुमको बताया तो तुम भी रोने लगोगी अपनी किस्मत पर। अगले दिन सास अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली जाती है, पति अपना काम कर रहा होता है और सुरुचि उसके पास जाकर कहती है, ये जुए खत्म करने की दवाई है, मैं मालिश कर देती हूँ। अरे लेकिन तुमको पाप नहीं लगेगा? अपनों की खुशी के लिए अगर छोटे मोटे पाप करने पड़े तो वो पाप अच्छे हैं जी।